मैं हूं सुब्रत। दोस्तों आज मैं जो बड़ा न्यूज देने जा रहा हूं इस वीडियो में, ये न्यूज जस्ट मेरे को मिला है तो हम सोचे कि आप लोगों के साथ शेयर करें। जिस चैनल का सब्सक्राइबर्स हैं सबके साथ हम ये न्यूज शेयर करें, इसलिए हम जल्दी से ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ये जो न्यूज सुनने में आ रहा है शायद पबजी बंद होने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों ये सच है, पबजी शायद बंद होने वाला है। अभी तक श्योरिटी नहीं है लेकिन पबजी गेमर्स लोगों के लिए बहुत ही ये बड़ा बैड न्यूज है। जो 59 चाइनीज ऐप इंडियन गवर्नमेंट ने बंद किया था उसके बाद और भी 47 ऐप गवर्नमेंट ऑलरेडी बैन कर चुका है। चाइना का और भी 275 ऐप बैन होने वाला है। हाँ दोस्तों आप सही सुने, 275 ऐप और भी बैन होने वाला है। इसका रीजन ये दिखा गया है कि जिस ऐप का सर्वर चाइना में है वो चाइनीज ऐप बंद होगा इंडिया में। 101% वो सब ऐप बैन होने जा रहा है इंडिया में। चाइना का सर्वर में रहने वाला कोई भी ऐप इंडियन गूगल में, यानी इंडियन लोग जो गूगल प्ले स्टोर यूज करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं उसमें नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, यूज करने के लिए। ये लिस्ट में पबजी का नाम है, ये लिस्ट में और भी नाम है। वो बताने के पहले पबजी को बैन होने का एक चांस है 101%, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पबजी चाइनीज इंटरनेट जो टेंसेंट होता है उसका एक पार्ट है। ओके और शाओमी का जो जिली ऐप है वो भी बैन होने वाला है। ई कॉमर्स अलीबाबा का अली एक्सप्रेस ऐप बैन होने वाला है। रेसो यू लाइक का भी नाम इसमें मौजूद है दोस्तों। ये भी सुनने में आया है कि इस ऐप में जिसमें सिक्योरिटी का इशू मिलेगा वो सब ऐप तुरंत बैन किया जाएगा, और जिसमें सिक्योरिटी का कोई भी इशू नहीं मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट को वो ऐप अभी के लिए रिलीज किया हुआ रहेगा गूगल प्ले स्टोर में, आप लोग यूज कर सकते हो, यानी एक चांस भी है बचने का भी। और दूसरा जो मेरे को न्यूज सुनने में मिला है कि ये जो आप लोग ऐप यूज करते हो, ये जो चाइनीज ऐप जितना भी है, ये ऐप ऐप का तो दोस्तों फंडिंग तो लगता है, ये ऐप जो चल रहा है इसका तो कहीं ना कहीं से रिसोर्स है, तो इंडियन गवर्नमेंट वो रिसोर्स भी फाइंडिंग करने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका फंडिंग कहां से आता है ये जो चाइनीज ऐप अभी रनिंग हो रहा है। और ये चाइना के भी जितना भी ऐप है ये देश का सुरक्षा के लिए कितना अच्छा है, यानी डेटा सिक्योरिटी के भी ऊपर इसमें जोर दिया जाएगा कि डेटा सिक्योरिटी के मामले में ये सब ऐप कितना फायदेमंद है यूज करने को इंडियन पीपल को, ये भी देखा जा रहा है, और इसलिए डेटा शेयरिंग और प्राइवेसी फैक्टर भी चेक किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे अपडेटेड न्यूज मिलते रहेगा आपको ये टेक न्यूज का सेक्शन में। मेरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो और न्यूज अपडेट आपको अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, बेल आइकन जल्दी से क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।